प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती कंचन वर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार से मुरादाबाद से हिंदी की प्रवक्ता हूँ। आज बच्चों मैं आपको हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय एवं कहानी के तत्वों के विषय में बताऊंगी। बच्चों, कथा साहित्य का इतिहास हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। हमारे देश में अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके द्वारा बच्चों को एक सामाजिक शिक्षा देने के साथ साथ एक नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा प्रदान की गई। इसी क्रम में हमारे देश में प्राचीन काल से ही हितोपदेश, बैताल पचीसी इत्यादि ऐसे ग्रंथ हैं जिनके द्वारा समाज को एक नैतिक मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। बच्चों, हम प्राचीन काल में भी इसी तरह की कथा साहित्य और भी लिखे गए हैं जिन्होंने एक समाज में एक नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों, बचपन में आपने भी बहुत कहानियाँ सुनी होंगी जिसको आपने आपके दादा दादी नाना नानी आदि ने आपको सुनाया होगा, जो आपको आज भी याद होंगी। बच्चों, इसी क्रम में मैं आज आपको हिंदी साहित्य के कहानी विधा के विषय में बता रही हूँ। कहानी विधा एक ऐसी विधा है जो कि सर्वाधिक और जितनी भी विधाएं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय है। बच्चों, आज हम इसके विषय में जानने से पहले हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर कहानी कहते किसको हैं। कहानी की परिभाषा मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बता रही हूँ। कहानी गद्य की वह विधा है जिसमें कहानीकार जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करता है। ये अपने आप में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा है। ये पाठकों को अपनी यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता के कारण प्रभावित करती है। बच्चों, कथा साहित्य के इतिहास के साथ साथ कहानी के विकास में प्रेमचंद जी का योगदान अतुलनीय है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। अतः कहानी की परिभाषा के संदर्भ में हमें प्रेमचंद जी ने किस प्रकार कहानी की परिभाषा दी है इसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद्र जी के अनुसार कहानी वह द्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। बच्चों, ये मैंने आपको कहानी की परिभाषा बताई है। अब बच्चों, हमारा कहानी का जो साहित्य का जो उद्देश्य है वो समाज में मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना भी था। अब बच्चों, कहानी की जो अनिवार्यता है वो कुछ तत्वों पर निर्धारित होती है। बच्चों, कहानी के तत्व इस प्रकार हैं जिसके आधार पर हम कौन सी कहानी श्रेष्ठ है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। कहानी के तत्व 5-6 हैं। इसमें सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु कथानक, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद या कथोपकथन, चौथा तत्व है देश काल या वातावरण, पांचवा तत्व है भाषा शैली, छठा तत्व है उद्देश्य। अब बच्चों, मैं इन सभी तत्वों के विषय में संक्षेप में आपको बताऊंगी। पहला तत्व है कथा वस्तु कथानक। बच्चों, कहानी विधा जो है उसका आत्मा के रूप में कथा वस्तु या कथानक माना जाता है। बिना कथानक के कहानी की कल्पना असंभव है। कथा वस्तु कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, पौराणिक और ऐतिहासिक। कथा वस्तु कहानी में 5 चरणों से होकर गुजरती है। पहला प्रारंभ, दूसरा चरण है इसका विकास, तीसरा है कौतूहल, चौथा चरण है इसका चरम सीमा, इसके बाद 5वां चरण इसका आता है अंत। कहानी का जो अंत है वो सुखांत या दुखांत दोनों ही तरह का हो सकता है। बच्चों, इसका दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। जिस तरह से कहानी विधा में उपन्यास भी एक विधा है ना, उसी प्रकार उपन्यास में जिस प्रकार अनेक पात्र होते हैं लेकिन कहानी में कम पात्र होते हैं, और इन्हीं पात्रों के माध्यम से कहानीकार अपनी कथा का विकास करता है। तीसरा तत्व है इसका संवाद या कथोपकथन। कहानी के संवाद छोटे होने चाहिए,
संवादों के माध्यम से कहानी का पूरा विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि पाठकों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। संवाद जितने प्रभावशाली होंगे कहानी उतनी ही ज़्यादा पाठकों पर प्रभाव डाल पाएगी। चौथा इसका तत्व है देश काल या वातावरण। कहानी में भौतिक वातावरण और मानसिक वातावरण दो प्रकार के वातावरण होते हैं और इनमें जबकि देखा जाए तो भौतिक वातावरण का इतना महत्व नहीं है जितना मानसिक वातावरण का होता है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी है पुरस्कार, उसमें दोनों ही तरह के वातावरण का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। पांचवा इसका तत्व है भाषा और शैली। भाषा और शैली का प्रभाव कहानी की सफलता पर बहुत बहुत महत्व रखता है। जिस कहानी की भाषा जितनी ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगी, जितनी पकड़ कहानीकार की भाषा पर होगी, उतनी ही कहानी वो सफल मानी जाएगी। भाषा समयानुसार, वातावरण अनुसार, पात्र अनुसार होनी चाहिए। यदि कहानी में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है तो उसकी भाषा वैसी ग्रामीण परिवेश की होनी चाहिए। शैली के संदर्भ में मेरा कहना यही है कि शैली में कहानीकार आत्मपरक शैली, कथात्मक शैली, नाटकीय शैली, किसी भी शैली का अपने विषय के अनुसार प्रयोग कर सकता है। अगला इसका अंतिम तत्व है उद्देश्य। किसी भी रचना की रचना करने से पहले किसी न किसी उद्देश्य को लेकर कहानीकार के मन में एक उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो रचना करता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जब रचना करता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति जब पाठकों के द्वारा पूरी होती है तो कहानी उतनी ही ज़्यादा सफल मानी जाती है। बच्चों, ये मैंने आपको कहानी के तत्वों के विषय में बताया है। अब मैं आपको कहानी का जो उद्भव है वो हिंदी साहित्य में किस प्रकार हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। हिंदी कहानी का उद्भव। हिंदी कहानी के उद्भव के विषय में अगर कहा जाए तो इसका उद्भव सन 1900 से माना जाता है। सन 1900 का जो समय था उसमें विभिन्न विषयों पर कहानियाँ लिखी गईं, जिसमें सामाजिक समस्याओं को विशेष ध्यान दिया गया उन पर कि किस तरह से सामाजिक समस्याओं के को हम कहानी के माध्यम से उजागर कर सकें। इस समय अनेक कहानियाँ लिखी गईं, जैसे कि पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी जिसको मुंशी इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखा गया। दूसरी कहानी है राजा भोज का सपना जिसको शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया। तीसरी कहानी है इंदुमती जिनको किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशन सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में भी किया गया। चौथी कहानी है दुलारी वाली जिनका रचना राजबाला घोष जी ने किया गया, जो कि बंग महिला थीं। पांचवी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी जिसको माधव राव सप्रे जी द्वारा लिखा गया। छठी कहानी है 11 वर्ष का समय इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। अब बात ये आती है कि किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाए। इसमें अनेक मतभेद उत्पन्न हुए कि किस कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं रानी केतकी की कहानी इसको मुंशी इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखा गया। दूसरी कहानी थी राजा भोज का सपना जिसको शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा लिखा गया। इन दोनों ही कहानियों को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसमें कहानी कला के तत्व नहीं थे। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हिंदी साहित्य में जो कहानी है इसके कुछ तत्व होते हैं, 6 तत्व आपको बताए थे, इन तत्वों का इसमें अभाव था। इस कारण ये पहली और दूसरी कहानी इनको हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी नहीं माना गया। अब इसके बाद आता है इंदुमती जिनको किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया। इस कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मान लिया गया क्योंकि इसमें कहानी के तत्व सभी विद्यमान थे जो कि बहुत महत्व रखते हैं। इसके उपरांत इसका जो उद्भव था वो हिंदी साहित्य में इस प्रकार हो गया। अब बच्चों, मैं आपको हिंदी साहित्य में कहानी का विकास किस प्रकार हुआ इसके विषय में आपको बताती हूँ। हिंदी कहानी का विकास।
हिंदी कहानी का विकास के विषय में अगर देखा जाए तो प्रेमचंद जी का योगदान जितना है उतना किसी अन्य और कहानीकार का नहीं। इसीलिए प्रेमचंद जी को आधार मनाते हुए हम हिंदी कहानी के विकास को चार चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इसको सन 1900 से सन 1915 तक माना गया है। दूसरा चरण है प्रेमचंद्र युगीन कहानी, अर्थात प्रेमचंद जी के युग में जो कहानियां लिखी गईं उनको सन 1916 से सन 1936 तक की अवधि इनकी मानी गई है। तीसरा चरण है प्रेमचंद्रोत्तर युगीन कहानी, ये सन 1936 से सन 1950 तक की कहानियां थीं, वो प्रेमचंद्रोत्तर युगीन कहानियों के अंतर्गत आती हैं। अंतिम चरण है इसका नई कहानी, जो सन 1950 से अब तक की मानी जाती हैं। अब मैं बच्चों इन सभी चरणों के विषय में आपको बताऊंगी। बच्चों हिंदी साहित्य में कहानी का विकास इस प्रकार हुआ है। सबसे पहला जो चरण है वो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, ये सन 1900 से 1915 तक की अवधि का माना जाता है। इस युग में जो कहानी का जो स्वरूप था वो विकसित हो रहा था, प्रारंभिक स्तर पर था। इस युग में अनेक सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहानियाँ लिखी गईं। इसमें कुछ कहानियाँ जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। पहली कहानी है मन की चंचलता, जिसको माधव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा। दूसरी कहानी है प्लेग की चुड़ैल, इसको लाला भगवान दीन जी ने लिखा। तीसरी कहानी है राखी बंद भाई, ये वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी। चौथी कहानी है नकली किला, इसको वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा। पांचवी कहानी है रक्षाबंधन, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी रही है, इसको विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा लिखा गया, ये इनकी प्रथम कहानी है। अगली छठी कहानी है कानों में कंगना, इसको राधिका रमण प्रसाद जी ने लिखा है। सातवीं कहानी है मिलन, इसको ज्वाला दत्त शर्मा जी ने लिखा है। इस युग में बच्चों सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने तीन कहानियां लिखी इस युग में। पहली कहानी इनकी थी सुखमय जीवन, दूसरी कहानी है उसने कहा था, ये इनकी सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कहानी है, जो सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में जिसका प्रकाशन हुआ। तीसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, ये इन अगर युग में देखा जाए तो इस युग में जितने भी कहानीकार हुए हैं उसमें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कहानी है कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने इतनी जो भी तीन कहानियां लिखी हैं वो बहुत ख्याति प्राप्त हुई हैं। अगली जो युग है प्रेमचंद्र जी का वो है प्रेमचंद्र युगीन कहानी, जो सन 1916 से सन 1936 तक का माना जाता है। प्रेमचंद्र जी का योगदान अविस्मरणीय है कहानी विधा के योगदान में विकास में। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में कहानियां लिखना शुरू किया नवाब राय जी के नाम से, लेकिन इनकी कहानियों में देश प्रेम की भावना इतनी अधिक थी कि जिसके कारण अंग्रेजों ने भयभीत होकर इनकी कहानियों को जब्त कर लिया। अंततः इन्होंने हिंदी भाषा में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से कहानियां लिखना प्रारंभ किया और इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जिनका संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। बच्चों इनकी कहानियां मन मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डालती हैं कि पाठक स्वयं कहानी का हिस्सा ही अपने आप को समझने लगता है। इस युग में जो सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, प्रेमचंद्र युगीन कहानी, सबसे पहला नाम आता है मुंशी प्रेमचंद जी का। इन्होंने जैसा कि मैंने आपको भी बताया 300 कहानियां लिखी हैं, लेकिन इनकी कुछ ख्याति प्राप्त कहानियां इनकी इस प्रकार हैं। पंच परमेश्वर, जिसको इन्होंने सन 1916 में लिखा। इसके बाद इनकी कहानी है आत्मा राम, प्रेरणा, ईदगाह के बारे में तो बच्चों आपको पता ही होगा, बचपन में आपने ये कहानी पढ़ी भी होगी कि किस तरह से हामिद अपने ईदगाह के मेले में जाता है और अपनी दादी के द्वारा दिए गए पैसों से अपने खाने की चीज़ें ना खरीदकर
अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, जो पाठकों के ऊपर इतना अधिक प्रभाव डालता है कि पाठक का मन झकझोर उठता है। उसके बाद कहानी आपकी बूढ़ी काकी, पूस की रात, नशा, दो बैलों की कथा, बलिदान, जो कि आपने कक्षा 11 में भी पढ़ी है, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, कफन इनकी अंतिम कहानी है जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ, इत्यादि इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। उसके बाद दूसरा नाम आता है विशंबर नाथ कौशिक जी का, इनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन है। उसके बाद इन्होंने ताई, कल्प मंदिर, चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है सुदर्शन जी का। सुदर्शन जी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध कहानीकारों में है। इनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं, सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, हार की जीत भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें किस प्रकार खड़क सिंह डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद साइकिल की सवारी, बहुत हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति को साइकिल कैसे वो सीखता है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी कहानी में किया है। कमल की बेटी, सुदर्शन सुमन इत्यादि। इसके बाद इसी युग में जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं, जिनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप भी आपने पढ़ी हुई है, पुरस्कार, ममता, आंधी, इंद्रजाल, मधुआ इत्यादि। इसी युग में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी नाम आता है, जबकि वैसे तो ये कवयित्री थीं, लेकिन इन्होंने भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो इनकी इस प्रकार हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी संग्रह इत्यादि। बच्चों, ये युग कहानी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण युग है। इसके बाद बच्चों अगला युग आता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, सन 1936 से सन 1950 तक। इस युग में कहानी विधा जो थी वो एक दिशा की ओर ना जाकर तीन दिशाओं में विभाजित हो गई, जो कि इस प्रकार थी, प्रगतिवादी कहानी का, दूसरे बार थे मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, तीसरे हैं यथार्थवादी कहानीकार। इन श्रृंखला में तीन भागों में विभाजित होने के बाद कहानियों में कहानीकारों ने इस प्रकार लिखा है। प्रगतिवादी कहानीकार ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इसमें सबसे पहले यदि हम देखा जाए तो इसमें यशपाल जी का नाम आता है, जिन्होंने वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, नर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, चक्कर, क्लब, समय इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद दूसरा जो दिशा आती है वो मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों की आती है। इसमें कहानीकारों ने मनुष्य की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है अज्ञेय जी का, जिन्होंने विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, पठार का धीरज इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं। इसी क्रम में मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में जयेंद्र कुमार जी का भी नाम आता है, जिन्होंने जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, पान वाला इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद बच्चों इसी क्रम में तीसरा जो कहानियाँ लिखी गईं वो यथार्थवादी कहानीकारों द्वारा लिखी गईं। इसमें समाज की यथार्थ दशा का चित्रण किया गया। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का, जिन्होंने चंद्रकला संकलन, अमावस्या, भय का राज्य इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं, जो समाज की यथार्थ दशा का चित्रण करती हैं। इसी क्रम में रमा प्रसाद पहाड़ी जी का भी नाम आता है, जिन्होंने सामाजिक यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं, जिनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं, सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर इत्यादि। बच्चों इस युग में प्रेमचंद्र जी के बाद जो कहानियाँ लिखी गईं वो तीन ही भागों में विभक्त थीं, जिसमें प्रगतिवादी कहानीकार, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार और तीसरे यथार्थवादी कहानीकार आते हैं। बच्चों अब हम हिंदी साहित्य में कहानी के विकास के चौथे चरण के विषय में देखेंगे, वो है नई कहानी। इसकी समय अवधि सन 1950 से अब तक जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं वो सब इसी श्रेणी में आती हैं। इस
समय जो कहानियाँ लिखी गईं वो सामाजिक समस्याओं का को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर करने वाली हैं। इस युग में भी बहुत कहानीकार हुए, जिसमें कुछ कहानीकार इस प्रकार हैं जो मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। सबसे पहला नाम आता है शिव प्रसाद सिंह जी का। इनकी कहानियां हैं आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, कर्मनाशा की हार इत्यादि। कर्मनाशा की हार आपके पाठ्यक्रम में भी है बच्चों। इसमें बताया गया है किस प्रकार समाज की उन्नति के लिए विधवा विवाह होना बहुत जरूरी है और किस प्रकार समाज की प्रगति हो उसके लिए हमें सामाजिक जो बेड़ियां हमारी प्राचीन बेड़ियां हैं उनको तोड़ना अति आवश्यक है। दूसरी कहानीकार आते हैं मार्कंडे जी। इसमें इन्होंने महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला इत्यादि कहानियां लिखी हैं। इसके बाद इसी युग में आते हैं मन्नू भंडारी जी। इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं जो इस प्रकार हैं, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है इत्यादि कहानियां। इसके बाद इसी क्रम में चौथे कहानीकार का नाम आता है कमलेश्वर जी का। इनकी कहानियां हैं राजा, निर्वंशिया, तलाश इत्यादि। इसी क्रम में पांचवें कहानीकार हैं अमरकांत जी, जिन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं, जिंदगी और झोंक, और है अगली कहानी बहादुर। बहादुर कहानी भी बच्चों आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें भी बताया गया है कि किस प्रकार हमें जो हमारे श्रमिक वर्ग हैं उनके प्रति हमें कितनी संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो भी एक मनुष्य होते हैं और वो भी प्यार के भूखे होते हैं। इसके बाद नाम आता है उषा प्रेमवदा जी। इन्होंने भी कहानियाँ लिखी हैं, जिनकी छुट्टी का एक दिन इत्यादि कहानियाँ बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई हैं। अगले कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। इन्होंने मिस पाल इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं। इसी क्रम में आठवें कहानीकार हैं कृष्णा सोपती। इन्होंने यारों के यार, बादलों के घेर, ए लड़की इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों आज मैंने आपको हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ हिंदी कहानी के तत्वों के विषय में बताया है, जिसको मैं पुनः फिर से आपको बता रही हूँ, जिससे आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ जाएं। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि कहानी की परिभाषा, आखिर कहानी कहते किसको हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद जी का कितना योगदान रहा है। हिंदी कहानी के तत्व भी मैंने आपको बताए। हिंदी कहानी के तत्व जो होते हैं, जो हिंदी कहानी की सफलता को तय करते हैं, जो इस प्रकार हैं, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, चौथा है देश के या वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। इसके उपरांत मैंने आपको हिंदी कहानी का उद्भव, अर्थात हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो हिंदी साहित्य में कैसे हुआ वो भी आपको बताया कि सन 1900 से इसका प्रारंभ हुआ और ये पाश्चात्य जो साहित्य है उसकी देन है। इस पाश्चात्य साहित्य से ये बंगला साहित्य में आया और बंगला साहित्य से इसका उद्भव हिंदी साहित्य में हुआ। इसके बाद मैंने आपको हिंदी कहानी का विकास बताया। जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, मैंने बताया है कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद जी का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। अतः प्रेमचंद जी को ही आधार बनाकर हम हिंदी कहानी के विकास को चार चरणों में विभाजित करते हैं, जो इस प्रकार है, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, जिसकी अवधि है सन 1900 से 1915 तक। दूसरी प्रेमचंद युगीन कहानी, जो 1916 से 1936 तक मानी गई। तीसरी प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी, जो सन 1936 से 1950 तक मानी गई। चौथी चरण है इसका नई कहानी, जो सन 1950 से अब तक की मानी गई है। इसके बाद मैंने बच्चों आपको प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी में किन किन कहानीकारों ने लिखी हैं कहानियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, जिनकी तीन कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का काटा।
इसके बाद मैंने आपको प्रेमचंद युगीन कहानी बताई है, जिसमें प्रेमचंद के युग में कौन कौन कहानीकार थे, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रेमचंद जी का, सुदर्शन जी का, जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। इसके पश्चात मैंने बच्चों प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी, जिसकी अवधि है सन 1936 से 1950 तक, अर्थात प्रेमचंद्र जी के बाद के युग की कहानीकारों के बारे में बताया, जिसमें तीन चरणों में कहानियां विभाजित हो गईं। प्रगतिवादी कहानीकार हुए जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उसके बाद मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जिन्होंने मानसिक मनोदशा का अपनी कहानी में चित्रण किया, उसके बाद यथार्थवादी कहानीकार वे कहानीकार थे जिन्होंने सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण अपनी कहानी में किया। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था नई कहानी जो सन 1950 से अब तक की मानी गई, इसमें ये सारे कहानीकार थे, जिसमें शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत जी, जिनकी कहानियां बच्चों आपने पढ़ी भी हैं, जो हमें एक नई सामाजिक समस्याओं का प्रदर्शन अपनी कहानियों में जिन्होंने किया है। बच्चों आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको हिंदी साहित्य में कहानी विधा का किस तरह से उद्भव हुआ, विकास हुआ और आज किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वो मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।